हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस क्लास क्लास सिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक, सम मेजरमेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, हाउ वी मेजर द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस और टेबल, एनी अदर डिस्टेंसेस. लेट अस स्टार्ट वन एक्टिविटी रिलेटेड विद द मेजरमेंट. Activity 1. Work in groups and each of you do this activity one by one. Using your foot as a unit of length, measure the length and breadth of the classroom. आपको क्या करना है? Group करना है आपके और activity perform करनी है. आपके जो foot होते हैं उसकी मैं उसको unit consider करके length measure करनी है. Measure the length एंड द ब्रीथ ऑफ द क्लास रूम. आपको क्या करनी है? लंबाई और जो ब्रीथ मतलब चौड़ाई है आपके क्लास की वो नापनी है. इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर एज इट इज स्मॉलर दैन यूर फूट. कभी कभी आपको ये करते हुए एक बात ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कुछ पार्ट ऐसे ही रह जाए जो कि छोटा हो आपके पैर से या फिर आपके फुट के. यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1. आपको क्या करना है कि आपके जो फुट होते हैं उसकी लेंथ स्ट्रिंग से भी आप मेजर करना है और आपको रिकॉर्ड करना है ये 10.1 में, टेबल 10.1 में. टेबल 10.1 मेजरिंग लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ क्लासरूम. जो 10.1 है उसमें आपको क्या करना है? लेंथ मेजर करनी है और ब्रीथ मेजर करनी है आपके क्लासरूम की. लेकिन ये सब आपको करते टाइम अलग अलग स्टूडेंट्स के मेजरमेंट लेने हैं. जैसे कि आपको जिस स्टूडेंट से मेजर करवा रहे हैं उसकी फुट की लेंथ वहाँ पे पहले कॉलम में आपको यहाँ पे टेबल में दिया गया है, उस तरीके से आपको टेबल प्रिपेयर करना है और तीन कॉलम बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम में है नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का नाम लिखना है. सेकंड कॉलम में लेंथ ऑफ द क्लासरूम, उसमें क्या करना है? उस स्टूडेंट के फुट से ही लेंथ मेजर करनी है उस क्लासरूम की, उसके बाद में विड्थ मेजर करनी है. तो अलग अलग स्टूडेंट से आपको ये मेजरमेंट लेनी है और ये टेबल फिनिश करना है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2. वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू Use your hand span as a unit of measure the width of the table or a desk in the classroom. आपको एक्टिविटी 2 लेनी है, ये भी आपको ग्रुप में करनी है. इसमें आपको क्या करना है? आपका जो हैंड स्पैम है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हैंड स्पैम कैसे लेना है, ये आपको यूनिट कंसिडर करना है. जैसे कि हमने पहले इसमें कंसिडर किया था फुट की लेंथ, उसी तरीके से इस डेस्क की या फिर टेबल की हैंड स्पैम से क्लासरूम को, जो कि क्लासरूम में दिया गया हुआ टेबल और डेस्क है उससे मेजर करना है. मेजरिंग द विथ ऑफ द टेबल विथ अ हैंड स्पैम. ये 10.5 में क्या करना है? यहाँ पे विथ मेजर करनी है, चौड़ाई मेजर करनी है उस टेबल की विथ अ हैंड स्पैम. इस तरीके से आपको उसको मेजर करना है. हियर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग्स लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैम एंड देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट. आपको क्या करना है? ये जो हैंड स्पैम है उसकी जगह पे आप लोग स्ट्रिंग मतलब धागा भी यूज कर सकते हैं और देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट. फिर कुछ जो है जगह वो आपको स्ट्रिंग से भी रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2. आपको क्या करना है? टेबल 10.2 में ये सब ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने हैं. वी सी दैट मेजरमेंट्स मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी. मेजरमेंट का मतलब होता है कि ये जो मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो कंपैरिजन होता है जो अननोन क्वांटिटी का, उसमें आपको ये मेजरमेंट करना है विथ अ सम नोन क्वांटिटी. मतलब अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन को ही हम बोलते हैं मेजरमेंट. यहाँ पे 10.2 में दिया है मेजरिंग
विथ ऑफ अ टेबल, टेबल की विथ आपको देखनी है। तो किस तरीके से ये टेबल प्रिपेयर करना है, फर्स्ट कॉलम में लिखना है हु मेजर द विथ ऑफ द टेबल, आपको उसका नाम लिखना है यहाँ पे जिसने विथ टेबल की विथ चेक की है और कितने उसके हैंड स्पैम के नंबर हुए हैं, यह आपको इसमें डिनोट करना है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्टूडेंट्स के हेल्प से ये टेबल फिनिश करना है। दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। जब अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन नॉन क्वांटिटी के साथ होता है, जब कोई फिक्स क्वांटिटी हमें मिलती है तो उसी को हम बोलते हैं यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। दो हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं मेजरमेंट के एक्सप्रेस किए जाते हैं, उसको दो पार्ट्स में मिलेंगे। वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। एक पार्ट क्या होगा कि वो नंबर कितना है, और दूसरा जो है हमें यूनिट मिलेगा उसका मेजरमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी वन द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन 12 इज द नंबर एंड द फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। जैसे कि एक्टिविटी वन में हमने देखा है कि जो लेंथ हमें मिली है, अगर वो 12 लेंथ है आपके पैरों की, मतलब किसी स्टूडेंट के पैर की 12 लेंथ फुट उसकी अगर लेंथ है, तो हमें 12 क्या मिला, एक नंबर मिला, और फुट लेंथ क्या हुआ, उसका यूनिट हो गया उस मेजरमेंट का, है ना। तो इस तरीके से हम ये मेजरिंग यूनिट निकाल सकते हैं। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। अभी आपको 10.1 और 10.2 के जो रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स हैं उसको स्टडी करना है। आपको दिखेगा क्या कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो फुट है इक्वल लेंथ के हैं। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय द हैंड स्पैम ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या जो हैंड स्पैम से रिजल्ट लिए है, हमने मेजरमेंट लिया है, क्या उसकी विड्थ इक्वल है और सबका हैंड स्पैम सेम है। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैम एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी सेम। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो हैंड स्पैम होगा वो आपके फ्रेंड से सेम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि सबके हैंड स्पैम या फिर फुट की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसा हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स की जो फुट की लेंथ होती है वो अलग अलग हो सकती है, स्लाइटली क्यों ना हो लेकिन वो अलग होती हैं। Therefore, when you tell your measurement using your hand span or a length of a foot as a unit to other, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or a foot. तो क्या आप बता सकते हो कि आपके जो hand span है या फिर आपके जो length है foot की, किसी other के unit में आप बता सकते हो? वो भी आपको ऐसा नहीं बता सकते। दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैम और अ फुट। तो किसी और को भी ये बताना मुश्किल है कि, और वो समझ भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअली लेंथ कितनी है जब तक वो ये ना पता कर सके कि वो आपके पैरों के या फिर आपके हैंड स्पैम की लेंथ कितनी है। We see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person. इसीलिए हमें standard units की बहुत ज़रूरत होती है जो कि person to person change ना हो सके, और हमें हमेशा एक standard unit से ये measure करना चाहिए ताकि हम length proper, सबकी length proper check कर सकें। Next is 10.4, standard units of measurement. स्टैंडर्ड यूनिट देखने हैं हमें मेजरमेंट के। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, द विथ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वी आर कॉमनली यूज एज अ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पुराने ज़माने में बताया जाता था कि जो फुट की लेंथ कितनी है, फिंगर की विथ कितनी है,
और जो डिस्टेंसेस ऑफ अ स्टेप वी आर कॉमनली यूज एज अ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्टेप्स कितने हैं, ये जनरली यूज किया जाता था कि कितने पैरों की से ये डिस्टेंस आता है, कितने पैरों का ये डिस्टेंस है। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जो इंडस वैली के जो सिविलाइजेशन थी, इंडस जो संस्कृति थी, उस टाइम पे बहुत अच्छी लेंथ का मेजरमेंट यूनिट उन्होंने फिक्स किया था, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ जो पुरातन काल में हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मिले हैं वो कितने परफेक्ट हैं उस टाइम पे, ये हम देख सकते हैं क्योंकि उसकी मेजरिंग लेंथ जो है बहुत प्रॉपर थी। अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वॉज यूज इन एंशियंट इजिप्ट एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो क्यूबिट है वो एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वॉज यूज इन एंशियंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट के टाइम पे, इजिप्ट संस्कृति के टाइम पे ऐसा जो क्यूबिट है वो यूनिट मेजर किया जाता था। और ये जो यूनिट है अदर पार्ट्स में भी यूज किया जाता था टू मेजर द लेंथ। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ अ लेंथ इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और लोग भी बहुत ज़्यादा यूज करते थे फुट एज अ यूनिट। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो फुट का लेंथ थी वो रीजन टू रीजन बदलती थी, थोड़ा तो भी चेंज उसमें स्लाइटली वेरीड थे उसमें चेंज आता था। पीपल मेजर अ यार्ड ऑफ क्लोथ बाय अ डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन। यार्ड भी यूज करते थे क्लोथ के लिए, बाय डिस्टेंस यार्ड ऑफ अ क्लोथ, कपड़े का जो यार्ड है वो यूज करते थे डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जब वो स्ट्रेच आउटस्ट्रेच उसको आर्म को आउटस्ट्रेच करके भी या फ्रॉम एंड देयर चिन, चिन से भी वो आउटस्ट्रेच करते थे। द रोमन मेजर विद देयर स्पेस और अ स्टेप्स। जो रोमन जो थे वो स्टेप्स या फिर पेस कितना है इससे वो रोमन्स मेजर करते थे लेंथ। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वेयर एन अंगुल और अ मुट्ठी। जो पुराने ज़माने में हैं वो लोग क्या यूज करते थे, फिंगर या फिर फीस्ट मतलब मुट्ठी वो यूज करते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर अ गार्लैंड्स इन मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया। आज भी, आज के दिनों भी जो फ्लावर सेलर है, जो फूलों का व्यापारी होता है, वो भी आज फोर आर्म्स यूज करता है एज अ यूनिट गार्लैंड बनाने के लिए। जो मालाएं होती हैं वो मालाएं बनाने के लिए इंडिया के गांवों में आज भी यही मेजरमेंट वो यूज करता है जो कि फोर आर्म है, फोर आर्म ही उसका यूनिट है। मेनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। आज भी ये वाला यूनिट मेजर करते हैं लोग बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं जो कि कन्वीनियंट मेजर है, जो कि लेंथ मेजर करने के लिए, और वही उनके यूनिट होते हैं जैसे कि हैंड स्पैम है, फुट है ना। हाउ एवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस, जबकि सबके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। दिस मस्ट हैव कॉज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। तो इस वजह से जो कन्फ्यूजन होता है मेजरमेंट में ये हो सकता है। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल द मैट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रेंच लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाला, उसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम जो कि स्टैंडर्ड यूनिट का है। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी
scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. बहुत जगहों पे uniformity लाने के लिए एक सूत्रता लाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ये एक्सेप्ट किया था स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये जो यूनिट है, यूनिट सिस्टम है, ये अब क्या बोली जाती है उसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी को बोलते हैं SI यूनिट. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर. लेंथ का जो SI यूनिट है उसको बोलते हैं मीटर. अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6. आपको फिगर 10.6 में मीटर स्केल दिखाई गई है. ऑल्सो शोन इन 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्रिक बॉक्स. आप लोगों को 15 सेंटीमीटर की जो स्केल दी गई है आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में, उसमें भी आपको मीटर का जो यूनिट है उसकी अच्छे से जानकारी दी गई है. ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल हाफ, इक्वल डिविजन्स. जो एक मीटर होता है वो 100 इक्वल डिविजन्स में मेजर किया गया है, उसको बोलते हैं सेंटीमीटर्स. ईच सेंटीमीटर हैज अ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर. जब उस सेंटीमीटर के 10 डिविजन्स करने, इक्वल डिविजन करने के बाद क्या मिलता है, मिलीमीटर मिलता है. दस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. इसीलिए क्या बोले जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना, मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 10 मिलीमीटर. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, जो लंबी दूरी अगर, डिस्टेंस अगर जानना है तो मीटर जो है वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा पड़ता है. वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड किलोमीटर. ये छोटा पड़ता है इसीलिए एक बड़ा यूनिट निकाला है, उसको बोलते हैं किलोमीटर. जब हमें एक जगह से, मतलब एक गांव से दूसरी जगह गांव, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, एक देश से दूसरे देश जाना है, तब हम ये डिस्टेंस का यूनिट मेजर लेते हैं, इसको बोलते हैं किलोमीटर. 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर. मतलब अगर 1 किलोमीटर देखना है तो 1000 मीटर हमें मेजर करना पड़ता है. नाउ वी कैन रिपीट ऑल आर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन अ SI यूनिट. हम इस तरीके से जो एक्टिविटीज है वो रिपीट करके स्टैंडर्ड स्केल से या फिर SI यूनिट की हेल्प से ये एक्टिविटीज रिपीट कर सकते हैं. बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस. तो पहले ये स्टैंडर्ड यूनिट्स और ये सब SI यूनिट की हेल्प करने से पहले हमें एक प्रॉपर वे पता होना चाहिए मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस. नेक्स्ट इज 10.5, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हमें क्या करना है, एक करेक्ट मेजरमेंट लेना है लेंथ का. इन आर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. हमारे रोज के जो लाइफ होती है, रोज के जो दिनचर्या होती है, उसमें अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं. वी यूज अ मीटर स्केल, हम लोग मीटर स्केल यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है. ये एक मीटर स्केल है जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हमने बहुत बार यूज़ की है. ये जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें 15 सेंटीमीटर की ये जो स्केल है यहाँ पे दी हुई है इस तरीके से. ये जो है यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर की, जो कि ज्योमेट्रिकल बॉक्स में दी जाती है. नेक्स्ट इज फॉर मेजरिंग लेंथ अ टेलर यूजेस अ टेप वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रॉड. जब लेंथ मेजर करनी है होती है तो टेलर क्या यूज करता है, टेप यूज करता है. टेलर यूजेस अ टेप. और जब क्लोथ मर्चेंट को अगर लेंथ मेजर करनी है तो एक मीटर रॉड वो यूज करता है. क्लोथ मर्चेंट क्या यूज करता है, मीटर रॉड. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस. जब आपको किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जाननी है तो आपको एक सुटेबल डिवाइस, मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा
कि टेलर क्या यूज करता है, टेप, लेकिन जो क्लोथ मर्चेंट होता है वो मीटर रॉड यूज करता है। इसी तरीके से जैसे ऑब्जेक्ट आपको दिया जाता है उसकी लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सुटेबल है, जो कौन सा डिवाइस है वो सुटेबल है। यू कैनॉट मेजर द गर्थ ऑफ द ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल फॉर इंस्टेंसेस। जैसे कि हम अगर किसी ट्री की गर्थ, मतलब उसकी गहराई, अगर कोई ट्री है तो उसकी जो गहराई है, तो उसकी गहराई हम लोग इससे मेजर नहीं कर सकते मीटर स्केल से। उसी तरीके से आपकी जो चेस्ट साइज है वो भी हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। तो मेजरिंग टेप जो है उसके लिए, मतलब ट्री की जो गर्थ है उसके लिए और आपकी चेस्ट साइज जानने के लिए मेजरिंग टेप यूज करना ही सुटेबल होगा। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। जैसे कि अगर आपको पेंसिल की लेंथ जाननी है तो आप जो स्केल है आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर की, उस स्केल की यूज से आप वो लेंथ मेजर कर सकते हैं उस पेंसिल की। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। जब हम किसी भी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लेस द स्केल इन अ कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। हमें जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए की लेंथ जाननी है तो हमें क्या करना चाहिए, जो स्केल है कॉन्टैक्ट में रखना है उस ऑब्जेक्ट के, जैसे कि फिगर 10.7 में दिया गया है, हम देख रहे हैं इस फिगर में। इन सम स्केल्स द एंड में बी ब्रोकन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्केल में उसका एंड जो होता है वो टूट जाता है। यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। इसीलिए आप कभी कभी उसमें जीरो मार्क क्लियरली देख नहीं पाते, जैसे कि फिगर 10.1 में, फिगर ए में दिया गया है। यहाँ पे आप फिगर ए में दिया गया है कि यहाँ पे जीरो नहीं दिख रहा है हमें, सीधे वन से हमें वो दिखना शुरू हो गया है उस स्केल में। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड, ऐसे केसेस में आपको अवॉइड करना चाहिए कि मेजरमेंट जो है जीरो से मापना। टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क्स ऑफ द स्केल यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क्स ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर। जैसे कि फिगर 10.8 बी में दिया गया है, हम देख सकते हैं फिगर 10.8 में यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। अभी हमने देखा था कि फिगर 10.8 में यहाँ पे जीरो मार्क नहीं था, हमने देखा था। तो फिगर बी में जो कि 10.8 बी है उसमें जो फुल मार्क है वो वन से है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मार्किंग है वो वन से स्टार्ट हुई है। तो मेजरमेंट हम लोग वन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे एक जो मार्क है वो आगे तक लेंगे। तो इस तरीके से हम मेजरिंग कर सकते हैं। देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। फिर आप क्या कर सकते हो, जो अदर मार्क एक्स्ट्रा मार्क हमने लिया है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे रीडिंग से, जो भी आपकी रीडिंग आएंगी अदर एंड में। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8 बी द रीडिंग ऑफ वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इट इज 14.3 सेंटीमीटर। हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि फिगर 10.8 में रीडिंग कहाँ से स्टार्ट किए हमने, 1 सेंटीमीटर से, और जो अदर एंड है वहाँ पे 14.3 सेंटीमीटर तक हमने लिया है। तो अभी हमें करना क्या है कि ये जो 14.3 है उसमें से 1.0 सेंटीमीटर हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं, तभी हमें एक्चुअल जो लेंथ है वो मिलेगी। देयरफोर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 14.3 माइनस 1.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर, तभी हमें ये एक्चुअल जो लेंथ है
वो हमें मिलेगी, जो कि अभी यहाँ पे हमें मिली है 13.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज थर्ड जो प्रिकॉशन हमें लेनी है वो है करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट. हमें आई की जो हमारी जो नज़र होनी चाहिए वो हमेशा करेक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है. योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9. आपकी जो आँखें हैं वो एग्जैक्टली फ्रंट पे होनी चाहिए पॉइंट के, जबकि मेजरमेंट 10.9 फिगर में दिया गया है. पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई. उस फिगर में हम देख सकते हैं कि पोजीशन बी जो है वो करेक्ट पोजीशन होती है आई की. नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर. जब हम मेजर करेंगे आपको ये नोट करना है कि जो रीडिंग है बी पोजीशन की वो 7.5 सेंटीमीटर. फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग्स मे बी डिफरेंट. जब हम मेजर करते हैं तो पोजीशन जो बी है वहाँ से 7.5 रीडिंग आती है, लेकिन ए और सी से अगर हम रीडिंग ले तो वो अलग आएगी. हम देखते हैं फिगर 10.9. यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 10.9. बी इज द प्रॉपर पोजिशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग रीडिंग्स ऑफ द स्केल. ये जो बी पोजिशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ए पोजिशन है, ये बी पोजिशन है और सी पोजिशन है. जब हम स्केल का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट बॉय है ए की तरफ का, वहाँ पे जो डिस्टेंस अगर मेजर किया तो वो डिस्टेंस अलग आता है जहाँ से वो देख रहा है उसका जो आय है. यहाँ से उसका डिस्टेंस अलग आ रहा है, उसका आय का पोजीशन यहाँ पे हमें कहीं लगभग 8.5 तक वो देखने को मिल रहा है. लेकिन बी से अगर वो हम एग्जैक्टली देखें तो इसका मेजरमेंट एग्जैक्टली हमें दिखता है 7.5 की तरफ, और सी से अगर देखें तो हमें वो एग्जैक्टली 7 मिलता है. तो मेजरमेंट जो है अलग अलग आय की पोजिशन पर डिपेंड करता है. जब हम लोग इस तरीके से आई की पोजीशन चेंज करते हैं तो डिस्टेंस भी हमें अलग अलग दिखता है मेजरिंग स्केल पे. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3. मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैम एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल. आपको क्या करना है, आपके जो क्लासमेट है उसकी हाइट मेजर करनी है हैंड स्पैम से. उसके बाद उसको आपको यूज करना है मीटर स्केल से भी उसकी हाइट मेजर करनी है. फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल. आपको क्या करना है, आपके क्लासमेट को बोलना है कि उसको वॉल की तरफ अपनी पीठ करके खड़े रहना है. मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबाउट हिज हेड. आपको क्या करना है, उसके हेड के ऊपर एक मार्क करना है एग्जैक्टली वॉल पे. वॉल पे उसके हेड की इतना ही मार्क करना है. नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विथ योर हैंड स्पैम एंड देन विथ अ मीटर स्केल. आपको क्या करना है, अब आपको मेजर करना है आपके जो फ्लोर है वहां से आपको हैंड स्पैम से एक बार चेक कर उसका मार्क चेक करना है कि वो कितने हैंड स्पैम तक उसका जो मार्क हमने मार्क किया था वॉल पे वो कितने हैंड स्पैम है, और उसके बाद हमें उसका सेम मेजरमेंट मीटर स्केल से मेजर करना है. लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे. रिकॉर्ड ऑल योर ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3. अभी क्या करना है, सारे स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास के उनको ये लेंथ मेजर करनी है, उनकी लेंथ मेजर करनी है सिमिलर वे, मतलब हैंड स्पैम और मीटर स्केल से सबकी आपको हाइट मेजर करनी है और उसका रिकॉर्ड करना है 10.3 में, रिकॉर्ड फिलअप करना है. देखते हम टेबल 10.3. इसमें टेबल 10.3 में दिया गया है कि मेजरमेंट ऑफ हाइट. इसमें 3 कॉलम्स हैं. आपको पहले क्या करना है, आपको जिसकी हाइट आप मेजर कर रहे हैं वहाँ पे उसकी उसका नाम मेंशन करना है. उसके बाद हाइट कितनी है, कितने हैंड स्पैम हैं ये मेजर करना है. उसके बाद हाइट
कितने सेंटीमीटर हैं, मतलब मीटर स्केल से आपको उसको मेज़र करना है। इस तरीके से आपको अलग अलग स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो मेज़र करनी है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, आराम से वो मेज़र करना है, मेजरमेंट लेना है और रिजल्ट ऑब्जर्व करना है अलग अलग स्टूडेंट्स के जो हमें मिले हैं। द रिजल्ट इन कॉलम टू मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। जो टेबल टू है, सॉरी कॉलम टू है, उसमें आपको जो हैंड स्पैन है उसके रिजल्ट, उसकी लेंथ या फिर उसके जो नंबर ऑफ काउंट होगा वो अलग अलग दिखेगा अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। नाउ लुक, स्पैन दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, या फिर अगर यहाँ पे अलग आपको जो भी चेंजेस आएंगे ये भी आपका ऑब्जर्वेशन देखते टाइम कुछ एरर्स आए होंगे उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। हम हायर क्लासेस में ये लर्न करेंगे कि जो इम्पोर्टेंस है मेजरमेंट्स में उसमें कुछ हैंडलिंग एरर्स होंगे या फिर उसमें जो एरर्स की जो इम्पोर्टेंस है मेजरमेंट का वो हम जानेंगे। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। रीड दिस लेसन प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ओके, थैंक यू।